जिगर साहब, मैं एक आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के सदस्य ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, उनकी यही डिमांड है। और माफी मांगने का कारण ये बता रहे हैं कि विदेश में जाके आपने विदेशी धरती पे भारत का अपमान किया है। ये बात ठीक है, उनका आरोप हो सकता है भाई उनके नजर में अपमान किया गया, लेकिन इस पे तो संसद तय करेगी ना कि माफी मांगना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो डिमांड होनी चाहिए कि इस बात पे संसद में चर्चा हो कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पे जो बात कही वो उससे देश का अपमान हुआ, और अगर अपमान हुआ उनकी नजर में, वो भाई वो तो डिबेट होगी, तो इनको क्या सजा दी जाए। हो क्या गया है कि ये जो एक बीजेपी की आदत पड़ गई है कि मैं ही न्यायालय, मैं ही कोर्ट, मैं ही कचहरी, मैं ही पुलिस, मैं ही डिसाइड करूंगा। तो ये उन्होंने अपने ही यहाँ डिसाइड किया कि भाई ये राहुल गांधी ने अपमान किया, अपने यहाँ मुकदमा चलाया और मुकदमे की सजा ये हुई, तुम माफी मांगो। और ये साफ साफ लग रहा है, ये साफ साफ, अगर अगर ईमानदारी होती तो कहते इस पे चर्चा होगी और राहुल गांधी को इस पे जब पे अपना पक्ष रखें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इससे ना करके साफ नहीं हो रहा है कि अडानी को इतने गंदे और नंगे ढंग से शील्ड करने की कोशिश किया गई। जगह साहब, बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ। और ये काफी समय से हो रहा है, जिस दिन से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और जो भी शेयर मार्केट में उठापटक हुई, उसके बाद जो जो सारे घटनाक्रम हुए और कांग्रेस ने जितने भी हल्ला बोल किए, चाहे दिल्ली में किए, पूरे देश भर में किए, हर जगह बीजेपी ये बात से बच रही है कि कहीं भी अदानी ग्रुप का नाम वो लेने से बच रही है, साफ साफ दिख रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी विदेश की धरती पर बोला, उस पर बिल्कुल बकायदा डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए संसद में, और उसके बाद वो डिसाइड होना चाहिए कि सही में ऐसा कोई वाक्य है जो देश के विरोध में है या नहीं है। अगर इसी चीज को हम पुराने कोई वक्तव्य ढूंढ निकाले बीजेपी के, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है, मौजूद है पूरे सोशल मीडिया पर, कि जब मोदी जी पीएम और सीएम भी रहते थे, या जब भी कहीं बाहर गए तो उनके क्या क्या वक्तव्य थे। इवन यहाँ तक भी हमने सुना है कि भारत देश में पैदा होना ये हमारा दुर्भाग्य। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो हम इस बात को नकार नहीं सकते। और ये एक जो वन साइडेड पूरी बात चल रही है कि राहुल गांधी जी को काउंटर करो या उनके ऊपर ही सीधा अटैक करो, उनकी छवि गिराने की कोशिश करो, ताकि वापस से ये जो थोड़ा बहुत एकदम पॉजिटिव नजरिया लोगों की नजर में आया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसको ये लोग, मेरे ख्याल से, मुझे लगता है इस बात से वो डरे हुए, और अब पूरी मशीनरी उस चीज में लग गई है कि कैसे करके राहुल गांधी जी को काउंटर किया जाए और उनको वापिस से कैसे डिफेम किया जाए। क्योंकि वो ये साफ दिख रहा है कि 20 साल से जो उनको डिफेम करने की कोशिश की गई कि भाई उनके ज्ञान के ऊपर या उनके नॉलेज के ऊपर या उनके वंशवाद या परिवारवाद, ये हर मुद्दे के ऊपर, अब ऐसा है कि अब मैंने जो देख रहा हूँ सर, लोकल लेवल पे या इवन सोशल मीडिया पे, लोग अब इस बात से बिल्कुल गायब हो रहे, इस चीज को ध्यान में ही नहीं ले रहे, क्योंकि अब ऊब चुके हैं। एक हमला आप कितनी बार करेंगे, एक हमला 10 बार, 50 बार, 100 बार, अब लोग ये समझ चुके हैं कि ये सारे हमले करने के बावजूद भी राहुल गांधी जी तो डटे हुए, लगे हुए, आज की तारीख में भी लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अब पब्लिक को ये दिख रहा है, ये साफ साफ बात है। तीसरी बात में ये भी, एक मुझे पुराना एक बात याद आ रही है जो मैं हाल ही में कहीं पढ़ी थी, कि धनखड़ साहब जो भी आज की तारीख में जिस पद पे बैठे हैं, वो बहुत ही सम्माननीय पद है, सर्वोच्च, इतना बड़ा पद है, फिर पर उनका जो पूरा कार्यकाल है, राजकीय कार्यकाल, वो मेरे ख्याल से जब इमरजेंसी हुई थी और तब चौधरी देवीलाल जी या चौधरी चरण सिंह, मेरे ख्याल से उनके संपर्क में वो आए थे जब वो 38 साल के आसपास के युवा थे, और उसके बाद उनकी कारकिर्दी शुरू हुई, उनकी करियर शुरू हुई कांग्रेस में, अलग अलग पार्टी में, और एंड में जाकर वो बीजेपी में शामिल हुए, और तब से लेकर आज तक वो बिल्कुल ये प्रयासरत जरूर है उनका कि वो किसी भी तरीके से जहां पर जिस पार्टी में है उस पार्टी के लिए बिल्कुल मुखर होकर बात करे। अब उनको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि सर्वोच्च पद पे इतने बैठे, उपराष्ट्रपति पद पर है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये एक लिमिटेशन या एक 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 लाइन जरूर होनी चाहिए उनके वक्तव्य में कि वो उपराष्ट्रपति है, ना कि बीजेपी के प्रवक्ता है, ना कि बीजेपी के कोई संगठन के हेड है, ना ही कोई अलग संस्था के कोई पार्टी के या पोस्ट पर बैठे हुए। तो मुझे लग रहा है ये सारी जो कवायद है उसमें राहुल गांधी थोड़े साफ होकर और ज्यादा निखर कर आ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। क्योंकि कोरोना का मामला जब हुआ था तब भी उन्होंने एडवांस में चेता दिया था कि ये कुछ हो रहा है, आप ध्यान दीजिए सरकार को, नोटबंदी हुई थी उसको भी उन्होंने ब्लंडर बताया था, और ये भी बात स्पष्ट साबित हो गई कि नोटबंदी के कारण 31 लाख लोगों को इतना जो इम्पैक्ट पड़ा और इतनी सारी धनराशि आज की तारीख में भी कैश के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में घूम रही है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। एमएसएमई तकरीबन 72 लाख जितने बंद हो गए, तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी एक्चुअल में डिबेट होनी चाहिए, पर डिबेट जो हो रही है उसमें कहीं कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है।
तो सबसे बड़ी बात ये बीजेपी की बौखलाहट मुझे दिख रही है साफ साफ तौर पे कि उनके जितने भी मंत्री हो, चाहे किरण रिजिजू हो या अनुराग ठाकुर हो या इवन आज कल जो मैंने सुना राजनाथ सिंह जी, वो भी बोल रहे थे कि उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। वो शब्द सुन के भी मुझे काफी अजीब लगा। मैं बिल्कुल आपके फोरम पे, आपके प्लेटफॉर्म पर ओपनली बोल रहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि क्षमा याचना वो सही वर्ड नहीं है। याचना मतलब भीख मांग। तो ये याचना मतलब आपने क्या साबित कर दिया कि राहुल गांधी जी कसूरवार है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए और वो याचना करे संसद में आकर। मतलब एक तरफा जो पावर का अहंकार है वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है, वो लोग समझ भी रहे, देख रहे। और हर तरीके से अदानी ग्रुप को बचाने की बात हो या फिर नेशनल जो मुद्दे है, चाहे महंगाई हो या बेरोजगारी हो या और कुछ भी इश्यूज हो, उसको टालने की बात हो, सीबीआई ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको बात में टालने की बात हो, ये सारी चीज हो रही है। और मेरे ख्याल से जनता इस बार अब देख रही है और साफ साफ तरीके से देख रही है। और माहौल एकदम ऐसा बन रहा है कि अगर 2004 रिपीट हो जाए तो शायद हम आश्चर्य नहीं देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जी 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 मैं जगर भाई आपसे पहले इसलिए पूछ ले रहा हूँ, फिर नरेश जी उसको समअप करेंगे। या बहुत से देश में इस तरह की चीजें होती हैं जिसका ट्रिगर जो गुजरात होता है, तो एक ट्रिगर तो अडानी जी हैं जो इस समय देश में पूरे सारा विमर्शी अडानी जी के अगल बगल है। दूसरा ट्रिगर जो अभी तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी जी, लालू के दूसरे लड़के लड़कियां, तीन लड़कियां संधि के यहाँ जो हो रहा है, उसका ट्रिगर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, उसका ट्रिगर क्या 2004 में जब लालू रेल मंत्री बने और उन्होंने जस्टिस यूसी बैनर्जी कमिटी बनाई गुजरात के गोधरा दंगों को की जांच के लिए, और उस यूसी बैनर्जी कमिटी की रिपोर्ट को गुजरात के हाई कोर्ट ने उसको क्वैश किया, वो रिपोर्ट आई और उसने कहा इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, उसको क्वैश किया नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट्स, ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटेनेबिलिटी। उसमें कहा गया उस समय कि ऑलरेडी एक जांच चल रही है इसलिए दूसरी जांच नहीं हो सकती है, और इन ग्राउंड्स पे वहां पे क्वेश्चन किया गया। और उसके बाद जस्टिस, मैं इसलिए दर्शकों को भी बता दूं, जस्टिस यूसी बैनर्जी के लड़के को अभी दो एक साल पहले जो कैलकटा हाई कोर्ट में है जस्टिस सीनियर एडवोकेट हैं, उनका जब नाम आया कोलिजियम से जज बनने के लिए तो केंद्र सरकार ने उसको नहीं बनने दिया, वो नहीं बन पाए, वो आज भी सीनियर एडवोकेट। तो क्या राहुल जो लालू यादव के ऊपर ये हो रहा है, ये 2004 की उस खुंदक का भी है कि तुमने वो कमिटी कैसे अपॉइंट करने की हिम्मत की थी, और कहीं ना कहीं वो कोर्स भी सेटल हो रहा है कि ये बिल्कुल नई चीज है कि इस समय तहस नहस करो बिहार के एकता को। जगत दोषी साहब जी जी सर जी, मुझे लग रहा है इसमें दो तीन एंगल है, जैसे आपने बताया एक एंगल ये जरूर हो सकता है, क्योंकि एक चीज में यहाँ महारत इनको हासिल है रूलिंग पार्टी को और खास करके जो शीर्षस्थ नेता है, कि बहुत ही पुरानी बात याद करके वो उस बात को रिपीट करते हैं जो हमने पी चिदंबरम जी के साथ में देखा था। जब अमित शाह जी को 110 दिनों के लिए रखा गया था, पीसी साहब को 115 दिनों के लिए रखा गया था, तो ये बहुत ही कैलकुलेशन माइंड के साथ सारी चीज प्लान होती है, ये बिल्कुल साफ बात है। तो इससे एक मैसेज जरूर वो देते हैं कि हम हमारे पुराने दुश्मन हो, चाहे 40 साल पुराने भी दुश्मन हो, जब हमारा समय आएगा तो हम नहीं छोड़ते। तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि शायद कहीं ना कहीं कोई ओल्ड पुराना कनेक्शन हो सकता है। दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि जहां पर ये पूर्णिया में सर अभी हाल ही में रैली हुई आरजेडी की और पूरी जेडीयू की, वो बहुत जबरदस्त रैली हुई, क्योंकि वहां के कुछ अररिया के जो जिला प्रमुख है वहां के आरजेडी के, वो सब मेरे संपर्क में काफी समय से, तो उन्होंने काफी फोटोग्राफ्स वगैरह मुझे भेजे थे, बहुत ही ग्रांड और भव्य लेवल पे अच्छी बड़ी रैली हुई। और वो जो सक्सेस है उससे जो पूरा सामाजिक ताना बाना, सामाजिक समीकरण या इंजीनियरिंग हम जिसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, वो बिठाने में आरजेडी और खास करके तेजस्वी यादव की जो भूमिका या जो उनकी छवि बन के उभर रही है बिहार के पॉलिटिक्स में, वो बहुत ही जबरदस्त लेवल पे उभर रही है। मतलब लोग उनको बिल्कुल एक छत्र नेता मान रहे आज की तारीख में लालू यादव जी के बाद में। और सबसे बड़ी बात ये आ रही है, जैसे अभी मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी जी के जो पुराने जो भी ये लोग निकाल के बोलते थे वो अब लोगों को असर नहीं कर रहा है कि कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स, उसी सेम तरीके से ना आज की तारीख में तेजस्वी यादव या यादव फैमिली पे जो भी कोई पुरानी बातें है या कोई भी जो चारा घोटाला या एक्स वाई जेड बाकी सारी चीजें या वंशवाद परिवारवाद, वो वहां के लोगों को असर नहीं कर रही है। और ये जो फैक्ट बात है उस वजह से हो ये रहा है कि वहां बीजेपी को बहुत छोटी छोटी पार्टियों के साथ तालमेल बिठाने की घड़ी आ गई है 2024 के संदर्भ में।
और तेजस्वी यादव ने बहुत खुले से ऐलान कर दिया है कि हम यहाँ पर आपको एक सीट भी नहीं जीतने देंगे, आप देख लो लोकसभा में क्या होता है। तो ये बहुत खुली चुनौती है और ना ही ये मैनेज हो रहे उनसे। तो मुझे लग रहा है कि जो मैनेज नहीं हो रहा उनको किसी भी तरीके से जितना मैक्सिमम हो सके उस लेवल पर उनको फिक्स करना या कोई भी मुद्दे खड़े करना, ये सारी राजनीति है जो मेरे ख्याल से एक जिसे कहते हैं दुश्मन प्रकार की जो राजनीति हम कहते हैं, एक विरोधाभास है आज की तारीख में, कि जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है और सारी जो संवैधानिक संस्था है वो भी उसी तरीके से काम कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी बातों का निष्कर्ष अगर मैं देख रहा हूं, मैं तो इसलिए थोड़ा आशास्पद हूं आज आज भी अभी, कि लोग भी ये देख रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं अब। और मेरे ख्याल से पब्लिसिटी सोशल मीडिया और बाकी कई सारी, भले गोदी मीडिया ये कुछ नहीं दिखा रही, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार कब शादी करेंगे ये सब बता रहे हैं, उसकी पाठशाला कर रहे हैं। तो ये सारी बातों के विपरीत भी भारत देश का जो मूल जनाधार है, जो मूल सामान्य मतदाता है, वो अब समझ रहा है धीरे धीरे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद आज की तारीख में कितने सारे प्रश्न है। जैसे डॉक्टर सतीश जी ने बताया वही है, और डॉक्टर माथुर जी ने भी, कि आपने जो जो वायदे किए थे उसमें क्या पूरा हुआ, एमएसएमई कितने सारे बंद हो गए, या फिर 80 करोड़ लोगों को राशन देना, 22-23 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे, उल्टा और 10% बढ़ गए, बेरोजगारी की समस्या, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हैं जो एड्रेस नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि दो तीन बड़े चेहरों को छोड़कर बीजेपी के पास ऐसे बड़े चेहरे और है भी नहीं जो इसको एड्रेस करने के लिए या बात रखने के लिए भी लोगों के सामने जा सके। लोग उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। अब ये जो सारी स्थिति है उसमें कहीं एक आशा की किरण मुझे लग रहा है जरूर है, अगर कांग्रेस इसको साथ में लीड लेकर चलती है तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारा ऐसा काम हो सकता है जो 2004 की तरफ हमें शायद इशारा करे। आज ही मैंने कोई एक मेरे ख्याल से बड़े सनिष्ठ जर्नलिस्ट है पंकज शर्मा जी, उनका एक ट्वीट पढ़ा, उन्होंने काफी बारीकी से उसमें आंकड़े दिए हैं कितनी नेशनल पार्टीज है, कितनी प्रादेशिक पार्टीज है, और कितनी ऐसी बहुत छोटी छोटी पार्टीज है या फिर ऐसे इंडिविजुअल लोग है। अगर उसका आंकड़ा जो है उसका आकलन हम करें तो शायद ये आंकड़ा भी कहीं ना कहीं बैठ सकता है, बशर्ते सिर्फ एक है कि कांग्रेस को लीड लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात मुझे ये साफ दिख रही है कि पूरे सेंट्रल अगर है ना, जैसे मोदी जी को कोई चैलेंज कर सकता है तो पढ़े लिखे नेता भारतवर्ष में आज की तारीख में राहुल गांधी है, यंग नेता राहुल गांधी है, डायनेमिक राहुल गांधी है, साथ में लोगों के प्रश्नों को लेकर और अपने ऊपर हुए जितने भी निजी हमले है परिवार उसको छोड़कर भी 20 साल से टिके हुए एक ही नेता है जो अब लोगों में क्रेडिबिलिटी बना रहे। मुझे लगता है शायद कहीं कोई होप है अगर ये सारी तरीके से सत्ता पक्ष चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, पर अगर ये इस तरीके से रहा तो कहीं कोई रे ऑफ होप हमें दिख सकती है। जी मैं जिगर साहब आपसे आधे मिनट में इसलिए कर रहा हूँ कि हम भी जानते हैं कि बहुत से लोग आज आके एज राजनीतिक विश्लेषक बैठ जाते हैं और किसी पार्टी विशेष के होते हैं, वहां से इलेक्शन लड़े होते हैं, उसके प्रवक्ता रहते हैं। लेकिन अगर सीरियसली सारा विपक्ष जो जो क्रेडिबल उनका विपक्ष के जो लोग हैं, ऐसे किसी को भी बिठा देने की बात दूसरी है, जो क्रेडिबल लोग हैं अगर वो एक बार ठीक से बैकआउट करें तो कोई फर्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है मीडिया पे? सर मैं ये मानता हूँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अभी हाल ही में ये आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी, एक्चुअली हाल ही में 4-5 दिन पहले ही एक डिबेट में, यहाँ की लोकल डिबेट में कांग्रेस बीजेपी सारे नेता सब थे, हम बैठे थे, ऐसी बात चल रही थी, तो मुझे उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए कांग्रेस को, ऐसे ही सारे बैठे थे, सारे हर एक पार्टी के लोग थे। मैंने यही यही सेम बात उनको बताई, 4-5 दिन पहले की बात है। मैं बोला अगर कांग्रेस और सारा विपक्ष अगर मीडिया में जाना बंद कर देगा तो मीडिया का जो टीआरपी है वो बिल्कुल धड़ल्ले से नीचे आ जाएगा, क्योंकि सारी डिबेट्स जो होती है, जितनी भी डिबेट्स, उसमें 99% डिबेट्स वो राहुल गांधी या कांग्रेस को गाली देकर ही चलाते हैं। तो उनके पास जो मुद्दा है वो वही है, सरकार की कोई बात कहीं नहीं होती, और ये मेरे ख्याल से काफी इम्पैक्टफुल बात है। और 1 महीने या 2 महीने के बाद शायद ये हो सकता है कि वो लोग सामने से बोलेंगे कि अब हम तटस्थ डिबेट करने को या न्यूट्रल डिबेट करने को तैयार है, और जो खाल में छिपे हुए जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं बहुत सारे आजकल आ रहे हैं अलग अलग हिंदी चैनल्स में, मैं रोज देखता हूँ, एक तरफा बोलते हैं बिल्कुल, उन लोगों को तो शायद वो बंद कर देंगे। मुझे लगता है एक एक बार अगर ऐसा वो ट्राई करे तो इम्पैक्ट जरूर आ सकता है, और कांग्रेस या बाकी विपक्ष के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद चीज हो सकती है।